For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. भाई जान, सलमान की फिल्में जब भी ईद या क्रिसमस पर रिलीज होती हैं, अपने साथ बॉक्स ऑफिस पर सैलाब लेकर आती हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले माना जाता था कि सलमान खान का फेवरेट स्लॉट ईद के दौरान होता है, पर अब धीरे धीरे सलमान ने क्रिसमस पर अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया है। जी हाँ, अब दबंग 2 को ही देख लीजिए, जो कि 21 दिसंबर 2012 को रिलीज हुई थी। इसने सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए पूरे 328 करोड़ की कमाई की थी। तो वहीं सलमान खान की हालिया रिलीज टाइगर जिंदा है भी तो क्रिसमस पर ही रिलीज हुई थी और पूरे 338 करोड़ की कमाई की थी। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सलमान आने वाले साल में ईद पर रेस 3 और भारत को रिलीज करेंगे, तो वहीं क्रिसमस पर किक 2 सिनेमा घरों में दस्तक देगी। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं? हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही सिनेमा से जुड़े और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। बीटाउन के सुपर हीरो ऋतिक रोशन अपनी अगली फिल्म में सुपर मैथमेटिशियन बनने वाले हैं। इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं। कुछ दिनों पहले इसके फर्स्ट लुक को रिलीज करने के बाद अब इस फिल्म के सेट से कुछ और तस्वीरों ने इंटरनेट तक अपना रास्ता ढूंढ लिया है, जहां ऋतिक रोशन और मृणाल ठाकुर बनारस के घाट पर शूटिंग करते दिखाई दिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, टीवी एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। अब बात करते हैं इन तस्वीरों की। भले ही ये तस्वीरें थोड़ी धुंधली हैं, लेकिन इसे देख ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऋतिक पूरी तरह से इस किरदार में ढल चुके हैं। अगर आपको पता ना हो तो बता दें, सुपर 30 को क्वीन फेम डायरेक्टर विकास बहल डायरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर पर्दे पर वही मैजिक देखने का इंतजार तो जरूर होगा। मैं हूं मेघा, हमें अपनी राय बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी और टेली अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।